हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से आप अपना प्रोडक्टिविटी रह सकते हो या फिर एक अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ भी आप डेली टास्क करना चाहते हो उसमें आप अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी या फिर अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, तो ये वीडियो में कम्प्लीट देखने वाले हैं। तो नंबर वन जो आपको काम करना है वो है आपको एक प्लान बना देना है या फिर एक चेकलिस्ट की तरह आपको सारे जो काम करने वाले हैं पूरे दिन में, तो उसे आपको लिख देना है और फिर आपको क्या करना है। तो नंबर टू जो आपको करना है वो है आपको प्रायोरिटाइज करना है कि किस काम को मैं पहले करूँगा, किस काम को मैं बाद में करूँगा और किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। तो अगर कुछ काम की यार हायर प्रायोरिटीज़ होगी तो उसे आपको पहले कर लेना है, और जो लो प्रायोरिटीज़ वाले काम होते हैं वो आप सारे काम ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ वाले वर्क हो गए तो उसी हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन करना है। जो नंबर थ्री आती है वो एग्जीक्यूशन। तो आपने सारा काम कर लिया, नो प्लान कर लिया, आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, पर आपने उसे एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो आपको यार किस तरह से प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। तो आपको एग्जीक्यूशन भी करना है जो भी आप काम कर रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ है आप सिमिलरली स्टडीज़ के लिए भी कर सकते हो। तो आपको पहले प्लान करना है, फिर आपको प्रायोरिटाइज करना है कि किसे मैं पहले करने वाला हूँ, किसे बाद में करने वाला हूँ, और फिर आपको एग्जीक्यूशन करना है, तो ही आपको एक काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह से आपको डेली करते रहना है तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी और अच्छी तरह से आप टाइम मैनेज भी कर सकते हो। तो ये दिया कम्प्लीट वीडियो। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, और मिलते अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए यार कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।